दोस्तों आज हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक के वो एक्टर जिन्होंने इंडस्ट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का किरदार निभाया है। लोग उन्हें उनके नाम से ज्यादा उनके चेहरे और उनके निभाए किरदार से ज्यादा पहचानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो इनका नाम जानते होंगे। आज हम बात करेंगे अजीत वचानी की, जिन्होंने अपने करियर में सलमान खान, अनिल कपूर, आमिर खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ साथ लगभग उस टाइम के सभी स्टार के साथ काम किया है। अजीत वचानी का जन्म 10 अगस्त 1951 को एक गुजराती सिंधी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनको एक्टिंग का बहुत शौक था, इसी वजह से वो अपने स्कूल और कॉलेजेस में हर प्लेस और ड्रामास में पार्टिसिपेट किया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कई गुजराती प्लेस में काम किया करते थे। अजीत को 1980 में एक गुजराती फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था जोक संजोक और उस गुजराती फिल्म के हीरो थे गुजरात के मशहूर सिंगर और एक्टर नरेश तनोरिया, और इस फिल्म में अजीत का रोल भी बहुत अच्छा था। इस गुजराती फिल्म ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। दरअसल डायरेक्टर सोहनलाल कंवर उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था पापी पेट का सवाल। इस फिल्म में दो बड़े हीरोज थे, राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा। डायरेक्टर सोहनलाल कंवर ने जोक संजोक फिल्म में अजीत की एक्टिंग को देखा और उन्हें अपनी एक फिल्म के लिए रोल दे दिया। यह फिल्म 1984 में आई थी और इस फिल्म से अजीत को बॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म खामोश में काम किया था, लेकिन यह फिल्म एक अलग ही सब्जेक्ट पर बनी थी और लोगों को उस टाइम यह फिल्म पसंद नहीं आई और इस फिल्म से अजीत को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उनकी एक फिल्म आई जिसने उनकी किस्मत ही पलट दी। यह फिल्म थी 1987 में आई मिस्टर इंडिया फिल्म। इस फिल्म में उन्होंने तेजा साहब का रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्होंने कयामत से कयामत तक, त्रिदेव, 100 डेज और जो चिता वही सिकंदर जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। राजश्री प्रोडक्शन के तो वो फेवरेट एक्टर ही बन गए थे। राजश्री प्रोडक्शन जो अपनी फिल्मों में उन्हीं एक्टर्स को रिपीट करते हैं जिनके साथ उनका स्वभाव अच्छा रहता है, या तो वो एक्टर बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। इसी वजह से उनको मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनको रोल्स दिया था। अजीत वचानी ने फिल्मों के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है और वहाँ पे भी खूब नाम कमाया है। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। उनका शो एक महल है सपनों का काफी पॉपुलर हुआ था। बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो उन्होंने 80 के दशक की मराठी एक्ट्रेस चारुशीला सावले से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली। इनकी दो बेटियां हैं, योहाना और त्रिशाला। अजीत वचानी को फिल्मों में तो कामयाबी मिल गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें इतनी जिंदगी नहीं दी। कहा गया कि वो एक गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे और उस बीमारी से वो काफी दर्द में थे और उसी बीमारी के कारण उनकी डेथ हुई। हालांकि परिवार ने कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया कि उन्हें क्या बीमारी थी, क्योंकि परिवार का कहना था कि अजीत वचानी की आखिरी इच्छा थी कि उनकी बीमारी के बारे में कोई नहीं जाने। और 25 अगस्त 2003 को 52 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों आपको अजीत वचानी की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको याद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।